हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएसए इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये जो है क्वेश्चन 2018 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है, विच डिवाइस प्रोवाइड्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन टू द ग्राफिक सिस्टम। कौन से डिवाइस ग्राफिक सिस्टम को पोजिशनल यानी स्थिर जानकारी प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है पॉइंटिंग डिवाइस, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी यानी इनपुट एंड पोजिशनिंग डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी बोथ ए एंड सी, इनपुट एंड पोजिश पॉइंटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, इन ग्राफिक सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल इन द पैरल्स इन द पिक्चर आर स्टोर्ड इन। तो कह रहे ग्राफिक सिस्टम में एरे ऑफ पिक्सल्स पिक्चर को स्टोर करने के लिए हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी है फ्रेम बफर, ऑप्शन सी है प्रोसेसर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, फ्रेम बफर। फ्रेम बफर क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया है जूम मीटिंग में, कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लास में। तो थोड़ा यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ये फोटो लिया हुआ क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को बस देखिए, नंबरिंग को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सपेंशन ऑफ लाइन डी डी ए एल्गोरिथम इज। तो यहाँ पर डी डी ए एल्गोरिथम का विस्तार पूछ रहा है क्या होता है। ऑप्शन ए डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन बी है डायरेक्ट डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन सी है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, और ऑप्शन डी है डेटा डिफरेंशियल एनालाइजर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन सी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ये क्या होता है, एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए डॉटेड लाइन कैन बी डिस्प्ले बाय जनरेटिंग। तो एक डॉटेड लाइन हम लोग डिस्प्ले करेंगे किसके द्वारा, डिस्प्ले पे। तो ऑप्शन ए है वेरी शॉर्ट डैश विथ स्पेसिंग इक्वल टू एंड ग्रेटर देन डैश साइज, ऑप्शन बी है वेरी लॉन्ग डैश विथ पॉइनिंग इक्वल टू और ग्रेटर देन डेट डैश साइज, ऑप्शन सी है वेरी शॉर्ट डैशेस विथ स्पेसिंग इक्वल टू एंड ग्रेटर देन डैश साइज, और ऑप्शन डी है डॉट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो है आपका जो सिलेबस है तो उससे थोड़ा ऑब्जेक्टिव बाहर से भी आता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, आई होप इस साल रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, वेरी शॉर्ट डैश विथ स्पेसिंग इक्वल टू एंड ग्रेटर देन डैश साइज। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, द बेसिक पैरामीटर टू कर्व एट्रीब्यूट्स आर। तो कर्व जो होता है आपका उस एट्रीब्यूट्स का बेसिक पैरामीटर क्या है? ऑप्शन ए है टाइप, ऑप्शन बी है विड्थ, ऑप्शन सी है कलर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा आपको चूज करना है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर एट, विच द डिस्प्ले इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए गिवेन कलर इंडेक्स सी आई कैलकुलेटेड एज। तो आपका कलर इंडेक्स के लिए हम लोग वहाँ पर सी आई को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा आपका ऑप्शन डी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0.5 मिनिमम आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू प्लस मैक्सिमम आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, मैंने पहले ही बताया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका पूरा सिलेबस से नहीं रहेगा, इधर उधर हो सकता है, तो बस आपको क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर फाइंड कर लेना।
आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजिए, आपको मैक्सिमम 10 जो है वो सिलेबस से रहेगा और 10 इधर उधर से रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछ रहा है, द फंक्शन विच रिफर्स ए सिंगल एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाई हाउ ए प्रिमिटिव इज टू बी डिस्प्लेड विथ दैट एट्रीब्यूट सेटिंग इज कॉल्ड। कह रहा है यह समारोह जो एक एकल विशेषता का संदर्भ देता है जो एक निर्दिष्ट करता है कि कैसे उस विशेषता सेटिंग के साथ एक आदिम प्रदर्शित किया जाना है। हिंदी में भी आप लोगों को सही में समझ में नहीं आया होगा, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस साल में जो क्वेश्चन आया था वो किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट से आया था, सारा उस वेबसाइट से लेकर के कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, तो ये सब आपके सिलेबस में कहीं आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ ए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का बेसिक एट्रीब्यूट क्या है, ऑप्शन ए है फॉन्ट, ऑप्शन बी है साइज एंड कलर, ऑप्शन सी है ऑरिएंटेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, फॉन्ट साइज कलर ऑरिएंटेशन ये सभी कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में अगर ऑल ऑफ द एबव अगर आपको मिलता है तो उसके साथ हमेशा जाइए, वो आपका 95% सही होगा, नन ऑफ द एबव के साथ बिल्कुल ही मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रांसलेशन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय। तो ये क्वेश्चन आपका सिलेबस से है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन से है। कह रहा है ट्रांसलेशन का ऑब्जेक्ट में कैसे उपयोग में लाते हैं, ऑप्शन ए रिपोजिशनिंग इट अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन पाथ, रिपोजिशन सीधी रेखा के पथ के साथ, ऑप्शन बी है रिपोजिशनिंग इट अलोंग विद द सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ के साथ हम लोग इसको रिपोजिशन करेंगे, ऑप्शन सी है ओनली बी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रिपोजिशनिंग इट अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ट्रांसलेशन क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द रोटेशन एक्सिस दैट परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड पासेस थ्रू द पाइवोट पॉइंट इज नॉन एज। तो ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से, रोटेशन एक्सिस के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन ए है रोटेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है स्केलिंग और ऑप्शन डी है आपका शियरिंग। तो इस तरह से आपका रोटेशन होता था, यहाँ से एक एंगल निकलता था, कोई भी पॉइंट होता था उसको रोटेट करके हम लोग एंगल के थ्रू, थीटा के थ्रू, कोई भी एंगल के थ्रू, 90 डिग्री, 45 डिग्री के थ्रू हम लोग इसको रोटेट करते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रोटेशन। ये रोटेशन का डिफिनेशन ही होता है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पॉजिटिव वैल्यू फॉर द रोटेशन एंगल थीटा डिफाइंस। यानी रोटेशन एंगल जो है उसका पॉजिटिव, यानी थीटा का एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ऑप्शन ए काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द इन पॉइंट्स, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में रोटेशन होगा, ऑप्शन बी है काउंटर क्लॉकवाइज ट्रांसलेशन अबाउट द पाइवोट पॉइंट, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में ट्रांसलेशन होगा क्या, ऑप्शन सी है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पाइवोट पॉइंट। तो कह रहा है यहाँ पर ध्रुवीय बिंदु के बारे में प्रतिद्वंद्वियों की रोटेशन और ऑप्शन डी है नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, नेगेटिव डायरेक्शन। यानी आपका जो कह रहा है यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो अगर आपका पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ कोहेरेंस टेक्निक अलोंग एंड बिटवीन स्कैन लाइंस। तो स्कैन लाइन के साथ एक और बीच में तालमेल तकनीकों का उपयोग क्या है, ऑप्शन ए है टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, ऑप्शन बी है
टू डिटरमाइन द एरिया एज, ऑप्शन बी है फाइंड पॉलीगन रीजन, और ऑप्शन डी है करेक्ट टू करेक्ट इंटीरियर एरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, यानी गणना को आसान बनाने के लिए ये हम टेक्निक का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये मैंने पहले ही क्लास में बताया है कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का, लोगो डिजाइन बहुत सारा है, रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, ये सभी मैं बता चुका हूँ। अभी हम सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच की अलाउ यूजर टू इंटर फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन इन ए सिंगल की स्ट्रोक। करेक्ट, कौन सी की बटन उपयोगकर्ता को एकल कुंजी स्ट्रोक में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले ऑपरेशन में प्रवेश करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए फंक्शन कीज, ऑप्शन बी है कर्सर कंट्रोल कीज, ऑप्शन सी है ट्रैक बॉल्स, और ऑप्शन डी है कंट्रोल कीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए फंक्शन की। तो फंक्शन की कितने होते हैं कीबोर्ड में आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर, वर्चुअल रियलिटी कैड एंड एनिमेशन आर द एप्लीकेशन ऑफ। कह रहा वर्चुअल रियलिटी जो आपका काल्पनिक रियलिटी है, एंड कैड, कैड का फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता चुका हूँ। तो इसका एप्लीकेशन है ऑप्शन ए जेड माउस, ऑप्शन बी है डिजिटाइजर्स, ऑप्शन सी है डेटा टेबलेट्स, और ऑप्शन डी है इमेज स्कैनर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए जेड माउस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ एन इंटेंसिटी इंटेंसिटी इनपुट वैल्यू ऑफ नियर 0.33 वुड बी स्टोर्ड एज द बाइनरी वैल्यू 1 इन द फ्रेम बफर देन डिस्प्ले। तो कह रहा है यदि 0.33 के पास तीव्रता इनपुट मान फ्रेम बफर में बाइनरी मान 1 के रूप में संग्रहित किया गया जाएगा तो यह प्रदर्शित करेगा डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, वाइट और ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी डार्क ग्रे कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ बेसिक फिल स्टाइल। कौन सा आपका बेसिक फिल स्टाइल का टाइप्स नहीं है। ऑप्शन ए है हॉलो, ऑप्शन बी है सॉलिड कलर्स, ऑप्शन सी है पैटर्न्स, और ऑप्शन डी है डार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डार्क। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूज टू अल्टर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के आकार को बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाला परिवर्तन है स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा किस क्वेश्चन नंबर 16 का, वो होगा ऑप्शन ए स्केलिंग। ऑलरेडी टिक किया हुआ है, सॉरी मेरा पेंसिल नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूज ऑफ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आपका होमोजेनियस कोऑर्डिनेट का यूज हम लोग मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, क्या है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, टू ट्रीट ऑल थ्री ट्रांसफॉर्मेशन इन ए कंसिस्टेंट वे। ऑप्शन बी है टू स्केल, ऑप्शन सी है टू रोटेट, और ऑप्शन डी है टू सीयर द ऑब्जेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए टू ट्रीट ऑल थ्री ट्रांसफॉर्मेशन इन ए कंसिस्टेंट वे। तो ये जो आपका 2D मैट्रिक्स है उसको 3D मैट्रिक्स में बनाता है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। ओके,
होमोजेनियस कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर 2D ट्रांसफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट मीन्स W इजकल टू, कह रहा है 2D रूपांतरण के लिए तीसरे निर्देशांक का मान W इजकल टू क्या है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है एनी वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 1। तो W इजकल टू क्या हो जाएगा 1, क्लिक किया हुआ है, डबल टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग इज नॉन एज, कह रहा है द डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग इज नॉन एज, यानी कम आवृत्ति नमूनाकरण के कारण सूचना के विरूपण के रूप में माना जाता है सैम्पलिंग, एलियासिंग, इंक्वायरी फंक्शन, एंटी एलियासिंग। तो इसका जो राइट आंसर है क्लिक किया हुआ है ऑप्शन बी यानी एलियासिंग। ओके, तो ये थे आपके 2018 के 20 MCQ। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ चुके हैं आप senfoundry.com पे जाइए, आपको सारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये सारा वहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया था एग्ज़ाम में, जो कि कुछ क्वेश्चन लगभग 5 से 7 क्वेश्चन सिलेबस से हैं, बाकी सब इधर उधर से हैं। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग मिड पॉइंट सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम कंप्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 एंड सेंटर H77। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपका सर्कल जो मिड पॉइंट सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम है उसके थ्रू बनाना है सर्कल को, सारा स्टेप एल्गोरिथम का लिखना। तो ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इन डिटेल, तो ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को डिटेल्स में बताना है। उसके बाद डिस्कस मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम इन डिटेल, दोनों सर्कल एल्गोरिथम, यहाँ पर ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग के बारे में पूछ रहा है और अथवा में मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद है आपका यहाँ पर, एक्सप्लेन एलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिथम इन डिटेल। इसी तरह से कह रहा है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेजियर कर्व एंड देयर एप्लीकेशन, डिस्कस हाउ द बेजियर कर्व्स आर कंस्ट्रक्टेड इन डिटेल्स। तो बेजियर कर्व मैंने बताया था, क्यूबिक बेजियर कर्व, तो वो आपका यहाँ पर पूछा जा चुका है। व्हाट इज 3D व्यूइंग, 3D व्यूइंग क्या होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन आपको बताना है सारा। व्हाट इज द DDA स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम, तो DDA एल्गोरिथम भी पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन क्लिपिंग इन ब्रीफ, क्लिपिंग मैंने बताया आप लोगों को, क्लिपिंग से रिलेटेड एल्गोरिथम भी बताया, तो क्लिपिंग क्या होता है वो भी पूछा जा चुका है। उसके बाद एक्सप्लेन रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद है एक्सप्लेन डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको DBST एंड LCD के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्कैन कन्वर्जन, अथवा में पूछा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एनिमेशन सिस्टम इन ब्रीफ। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, एनिमेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक्सप्लेन बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर आपको आपका रोटेशन, ट्रांसलेशन, ये सब आएगा। एक्सप्लेन व्यू पोर्ट एंड विंडो पोर्ट, ये भी आप लोग देख चुके हैं, तो व्यू पोर्ट आप लोग बता सकते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन है आपके 2018 कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और स्टडी जारी रखिए, आपका एग्ज़ाम होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।